नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे 1,00,000 रुपीज अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, उसका पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। कई सारे लोगों ने कमेंट किया हमें 1,00,000 रुपये का पोर्टफोलियो बनाने बताए जिसमें बोनस शेयर हो। दोस्तों आप ग्रोथ पर फोकस करें, जो स्टॉक में काफ़ी ग्रोथ होगा, जो कंपनियाँ ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा आपको देगा, मतलब एक बेहतर रिटर्न देगा, वो आपको आगे चलकर बोनस भी देगा, क्योंकि जो कंपनी ग्रोथ पर फोकस करती है वही आपको बोनस शेयर भी इश्यू करता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे एक आप डाइवर्सिफाई मतलब अलग अलग सेक्टर से आप कैसे स्टॉक चूज करके अपना पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। तो नए लोगों को लिए बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और साथ ही साथ जो लोग पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना नहीं जानते हैं तो वो इस वीडियो में जान पाएंगे कैसे आप पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेंगे। हम स्टॉक के बाय करने के साथ साथ आपको टिप्स भी देते चलेंगे बीच बीच में कि कैसे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। अगर आप 1,00,000 रुपये से अधिक इन्वेस्ट करते हैं तो कैसे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे प्रॉब्लम्स सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा जो टॉपिक है इस वीडियो का 1,00,000 रुपीज पोर्टफोलियो, अगर आप 1,00,000 रुपया रखते हैं इन्वेस्ट करने के लिए शेयर मार्केट में तो आप पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने पोर्टफोलियो तैयार किया है आपके लिए कि 1,00,000 रुपये का पोर्टफोलियो आप कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो अलग अलग कंपनी ली है अलग अलग सेक्टर से, तो सबसे पहला जो कंपनी हमारा HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर जो कि FMCG सेक्टर से है। आप HUL के जगह ब्रिटानिया इंडस्ट्री ले सकते हैं, मैरिको ले सकते हैं, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट ले सकते हैं, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो ये सारी कंपनियों में से कोई भी कंपनी चूज कर सकते हैं, डाबर भी ले सकते हैं, सारी कंपनियां बेहतरीन है ये सारी की सारी। बस आपको किस प्राइस पे बाय करना है ये आपको पता रहनी चाहिए कि किस प्राइस पे हम बाय करें। तो HUL हो गया सबसे पहला जो कि आपको लेना चाहिए। तो इसका आप 5 शेयर ले सकते हैं, अभी जो करंट प्राइस इसका 2,204 रुपया है, 2,204 रुपीज। तो टोटल अमाउंट जो आप इन्वेस्ट करेंगे वो होगा 11,020 रुपीज। उसके बाद आप जो दूसरा कंपनी है वो लेते हैं IT सेक्टर से इन्फोसिस। तो इन्फोसिस ना लेकर के आप TCS ले सकते हैं, SCL टेक ले सकते हैं, विप्रो ले सकते हैं। तो ये आप अपना, ये चारों कंपनियां बेहतरीन हैं तो चार में से कोई भी ले सकते हैं। ब्लू चिप कंपनियां हैं, आपको अगर आप स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो वो आपके नए लोगों के लिए नहीं है। नए लोग जब स्टॉक मार्केट में आते हैं तो आप ब्लू चिप कंपनियों में इन्वेस्ट करें, और वो कंपनियां जिसमें आपका रिस्क जो है वो मेंटेन हो, रिस्क फ्री पोर्टफोलियो हो। ये सब कंपनियों में आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपके लिए रिस्की नहीं है, क्योंकि ये कंपनियां ओवरऑल आपको पॉजिटिव रिटर्न ही देगा लॉन्ग टर्म में, इसलिए आपको इसी ब्लू चिप कंपनियों के साथ जाएं। तो इन्फोसिस हो गया, इसका 10 स्टॉक आप ले सकते हैं, अभी करेंट प्राइस 956 रुपया है, तो आपका कुल अमाउंट हो जाएगा 9,560। उसके बाद तीसरा है रिलायंस। रिलायंस का 5 स्टॉक ले सकते हैं, करेंट प्राइस है हमारा 2,009 रुपीज, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 10,045 रुपीज। उसके बाद चौथा स्टॉक हो गया आपका कैडिला हेल्थ केयर, इसका टोटल नंबर ऑफ शेयर 20 ले सकते हैं, और इसका जो शेयर प्राइस है 394 है, तो टोटल अमाउंट जो आप इन्वेस्ट करेंगे वो हो जाएगा 7,880 रुपीज। फिर आपका पांचवा शेयर जो है वो है टाइटन, टाइटन ले सकते हैं। टाइटन देखिए अलग अलग सेक्टर से स्टॉक है, रिलायंस इसका तो बिजनेस है डाइवर्सिफाई है, रिलायंस जियो है, इसमें रिटेल बिजनेस है, ऑयल पेट्रोलियम गैस है, तो काफ़ी डाइवर्सिफाई है इसका बिजनेस रिलायंस का। उसके बाद हेल्थ केयर हो गया, ये आपको फार्मा सेक्टर से हो गया, इसमें आप डॉक्टर रेड्डीज ले सकते हैं, सन फार्मा ले सकते हैं, सिप्ला ले सकते हैं, लुपिन ले सकते हैं, कई सारे स्टॉक्स है हेल्थ केयर सेक्टर में, मतलब फार्मा सेक्टर में। तो हमने यहाँ कैडिला हेल्थ केयर आपको रिकमेंड किया है। ये प्राइस जो है थोड़ा बहुत नीचे ऊपर होता रहता है, तो स्टॉक मार्केट में आप आते हैं तो ये बात ध्यान में रखें कि जितना हो सके आपको इंट्रेंसिक वैल्यू मतलब फेयर वैल्यू पर लेना, हाई प्राइस पर कभी भी स्टॉक्स को नहीं ले, थोड़ा सा वेट कर ले, करेक्शन आएगा जब तब इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। टाइटन, टाइटन का 8 शेयर ले सकते हैं, अभी इसका देख सकते हैं प्राइस ये 9 रुपये का स्टॉक मिला करता था, अभी आप देखते हैं 1,077 रुपीज़ जा चुका है, तो इसका 8 स्टॉक्स ले सकते हैं, टोटल प्राइस हो जाएगा आपको 8,616। उसके बाद छठा स्टॉक जो है वो है HDFC बैंक, आप बैंकिंग प्राइवेट सेक्टर का लीडर बैंक है, तो ये 8 स्टॉक्स ले लेते हैं, अभी करेंट प्राइस है 1,002 रुपीज़, तो 8 स्टॉक्स लेते हैं, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 8,016 रुपीज़। उसके बाद अगला है बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस इसका 3 स्टॉक आप ले सकते हैं, इसका करेंट प्राइस है 3,174। अगर आप वेट करते हैं, अगर इसमें करेक्शन आता है तो लो प्राइस पर मिल जाएगा, तो नंबर ऑफ स्टॉक्स आप बढ़ा दीजिएगा।
अमाउंट बढ़ाते हैं, जैसे 1 लाख रुपीज़ की जगह 2 लाख, तो आप सारा ये स्टॉक जो है डबल कर सकते हैं, या किसी को उतना ही रहने देंगे, किसी और स्टॉक को डबल कर देंगे, जो आपको फेवरेट लगे, जो आपके लिए अच्छा लगे। बजाज फाइनेंस का 3 स्टॉक ले लिए, करेंट प्राइस है इसका 3174, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 9522 रुपीज़। उसके बाद अगला स्टॉक है आरती इंडस्ट्रीज, इसका 10 स्टॉक ले लिए, करेंट प्राइस है 1013 रुपीज़, तो टोटल अमाउंट जो इन्वेस्ट करेंगे आप 10130 रुपीज़। फिर आपको एशियन पेंट, इसका 5 स्टॉक ले सकते हैं आप, 5 स्टॉक, करेंट प्राइस है 1705 रुपीज़, तो यहां से आप टोटल मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 8525 रुपीज़, तो टोटल इतना स्टॉक्स हो गया आपका, मतलब 9 स्टॉक्स। अब 10वां स्टॉक है SBI कार्ड, 11वां है स्टॉक्स IRCTC, और जो है पिडलाइट इंडस्ट्री जैसे आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और भी है जैसे अलग अलग सेक्टर से बजाज ऑटो, ऑटो सेक्टर से ले सकते हैं। तो और जैसे अमाउंट आप बढ़ाएंगे तो अपना पोर्टफोलियो और ज़्यादा डाइवर्सीफाई करेंगे। ऑटो सेक्टर को मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि अभी जो आगे है ऑटो सेक्टर काफ़ी अंडर परफॉर्म रहने वाला है, उसको रिकवर करने में काफ़ी टाइम लगेगा। फिर मेटल सेक्टर है, उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे अमाउंट बढ़ाएंगे तो आप अपना पोर्टफोलियो और ज़्यादा डाइवर्सीफाई करेंगे। जैसे हेल्थ केयर सेक्टर है, मतलब फार्मा सेक्टर है, उसमें और एक स्टॉक्स, 2 स्टॉक्स ले लें, क्योंकि ये आगे 1-2 साल में काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म करने वाले। तो इस तरह से पोर्टफोलियो को डाइवर्सीफाई करना है। तो जैसे आप अपना अमाउंट इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे पोर्टफोलियो भी आप डाइवर्सीफाई करेंगे। तो SBI कार्ड हो गया 10वां स्टॉक्स, इसका 12 स्टॉक ले सकते हैं, 733 रुपीज़ प्राइस है। ये सारा स्टॉक वेट करेंगे, अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो आपको नीचे लो प्राइस पर आपको ये सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे। तो टोटल जो इसमें अमाउंट इन्वेस्ट होगा 8796 रुपीज़। फिर IRCTC, इसका 8 स्टॉक्स ले सकते हैं, इसका जो करेंट प्राइस है 1339 रुपीज़, और इसमें आप टोटल जो इन्वेस्ट करेंगे 10712 रुपीज़। तो टोटल इतना अमाउंट जो हमारा ऐड होकर के आ गया 1,02,822 रुपीज़। तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका हो गया 1,00,000 रुपये का। अगर इसमें आपको अभी भी कोई डाउट्स है कि आपने ये स्टॉक्स नहीं लिया, ये सारे स्टॉक्स थे जिसका पोर्टफोलियो अभी आपको बनाना चाहिए। इसमें हमने ऑटो सेक्टर को जैसे नहीं लिया, मीडिया सेक्टर, रियलिटी सेक्टर, इन सारे सेक्टर को इंक्लूड नहीं किया। फाइनेंस सेक्टर में से एकमात्र लिया बजाज फाइनेंस। क्यों लिया, क्योंकि ये सारे सेक्टर जो अभी आपको अंडर परफॉर्म दिखेंगे कुछ आने वाले समय में। काफ़ी सारे न्यूज़ आते हैं मार्केट में, हमारा जो सिचुएशन है वो काफ़ी ख़राब है, इन सारे बातों पर आपको ध्यान दे के रखना है। अगर हमारा ये पोर्टफोलियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।